यहाँ जरूरत थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एक बार भी नहीं आना यह संकेत सही नहीं है चुनाव तो देश का है ना चौबीस का चुनाव नहीं है ना पच्चीस का तो पच्चीस का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं कुछ लोग राहुल जी को न लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी जात धर्म के लोग समझ में नहीं आता है कि आप कांग्रेस को बैकफुट पर रख दिए कांग्रेस आगे आप लाई ही नहीं रहे एक जगह पांच बार जा रहे हैं और जगह आप एक बार भी नहीं गए अपने लोग कितना दर्द देते हैं 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है मोदी लहर इस बार है सर चार सौ वो तो बोलना बंद कर दिया तीन सौ पार भी बोलना बंद कर दिया कहीं कह दिया जगन्नाथ पुरी जी इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का ये तो सुपर भगवान हो गए तो भगवान से भी ऊपर अपने को समझने लगे तो जब आप भगवान से ऊपर समझने लगे तो शिव नगरी छोड़ेगा राहुल जी और प्रियंका गांधी जी को गाली गलोज क्या लाभ तो दूसरी बात ये क्या करते हैं तेजस्वी तो के साथ हैं आप सर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं और इनकी चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे देश में हुआ था खास करके पूर्णिया लोकसभा सीट के चलते सर हमारे साथ थे और इन्होंने मतलब महागठबंधन में ना रहते हुए भी कई प्रत्याशी का समर्थन इन्होंने दिया है इंडिया के साथ हैं कैसे देख रहे हैं सर आप तो इंडिया गठबंधन को समर्थन समर्थन क्या कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस आज इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है हाँ। और देश राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और स्वाभाविक जन का वो हो चुके हैं जनता का पीएम हो चुके हैं जनता की आवाज होती है जनता की बेटा बन चुके हैं वो और जिस तरीके से वो लगातार दस हज़ार किलोमीटर और लगातार सड़कों पर सदन में और एक बड़े हिटलर के खिलाफ दो दो ताकतवर संविधान और लोकतंत्र विरोधी नेताओं के खिलाफ लड़ रहे हैं और आँख में आँख मिला के दोनों भाई बहन चलते हैं और इतनी परेशानी के बावजूद उन्होंने रास्ता चुना संघर्ष का जेल का नहीं। 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 सत्ता से अलग हट करके लड़ने का नहीं तो सत्ता में मनमोहन सिंह जी के सेकंड टाइम में ही चले गए थे तो जो सत्ता को छोड़ दे पीएम की कुर्सी कौन छोड़ता है पीएम की कुर्सी के लिए तो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं लव जहाद पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान ईद बकरीद इतनी बड़ी बड़ी लंबी बातें पूरा देश के सिस्टम प्रणाली को चैलेंज कर देना कल पीएम बिहार आ रहे हैं पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे नरेंद्र मोदी भैया हमको नहीं पता कि वो क्या करेंगे नहीं समझे वही जानते हैं वो उनका कोई परछाई भी नहीं जानता है वो क्या करेंगे क्या नहीं वो और अमित शाह जी एक दूसरे को जानते हैं आप पटना के गांधी मैदान में वो क्या रैली करेंगे क्या कहेंगे वो उनके पास कहने के लिए दस साल का क्या है कहने के लिए होता है तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान करते हैं। कहने के लिए होता तो पुलवामा का आर और पुलवामा की घटनाओं की जांच नहीं कराते कहने के लिए होता तो नोटबंदी पे जी पे उज्ज्वला योजना पे आ, क्या कहते हैं ओ पे स्टार्टअप पे स्किल पे जनधन पे पंद्रह लाख रुपये पे कर्ज पे विशेष राज पे विशेष पैकेज पे पटना यूनिवर्सिटी पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के बाढ़ पे बिहार की बंद पड़ी सारी फैक्ट्रियों पे बिहार के पलायन पे बिहार के बेरोजगारों पे दो करोड़ की नौकरी पे आ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे क्या उन्होंने किया क्या हालात है बेटियों की सुरक्षा नहीं हुई बेटियों की जेब खाली कर दिए गए नोटबंदी में दो हजार लोकसभा चुनाव क्या लगता है मोदी लहर इस बार है सर दिख रहा है आपको तो दुनिया दिख रही है तो राष्ट्रीय दलित जिस तरीके से उन्होंने हैं चार सौ पार वो तो बोलना बंद कर दिया तीन सौ पार भी बोलना बंद कर दिया और उसके बाद वो हिंदू मुसलमान भी करना बंद कर दिया देखा नहीं चलेगा ये राम मंदिर में वो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने उद्घाटन किया और भगवान को इस्तेमाल करने लगे कहीं कह दिया पुरी जी इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का ये तो तो सुपर भगवान भगवान हो गए तो से भी ऊपर अपने को समझने लगे तो जब आप भगवान से ऊपर समझने लगे तो शिव नगरी छोड़ेगा शिव नगरी को जो छेड़ता है और शंकराचार्य ने जो बात कही तो हमें तो नहीं लगता कि इसकी कोई तब ना ये जेवर अंस अब गाय बिल्ली कुत्ता ये सब बात ये करने लगे आब, अब आप गाली गलोज के अलावा ये राहुल जी और प्रियंका गांधी जी को गाली गलोज के अलावा हाँ इंदिरा जी और नेहरू जी और राजीव जी के गाली गलोज के अलावा दूसरी बात ये क्या करते हैं हर चीज़ में इंदिरा जी हर चीज़ में राजीव जी हर चीज़ में राहुल प्रियंका तो मुझको लगता है कि हम तो एक सच्चे सिपाही हैं तो हम तो अभी भी, भी आप कांग्रेस तो में है बिल्कुल कांग्रेस में है हम लोग लगातार काम कर लेकिन रहे हैं आपने तो निर्दलीय निर्दलीय चुनाव चुनाव लड़ा था एक परिस्थिति आ गई हो सकता है सिंबल में भी दिक्कत हो जाती लालू जी के बात माने हुए रहते तो आज आप लालू जी का तो सम्मान में रहते लालू जी का तो सम्मान करते ही है ना हाँ। लालू जी का सम्मान उन्हीं के लोग नहीं करते हम तो उनके लोगों से बहुत ऊपर करते हैं लालू जी का सम्मान मैं अभी क्या करूं मैं बताऊंगा लालू जी जेल गए थे कोई गए थे अपने लोग गए थे राबड़ी देव जी देवी जी जब ओत ले रही थी तो कौन गए लालू जी गए परछाई की तरह गए और कौन लोग गए मीसा जी का जब घर वास हो रहा था तो कौन लोग गए आप देखिए रोहिणी जी चुनाव लड़ रही थी आप उठा के देखिए कितना अपने लोगों ने किस किस तरीके से कहाँ धोखा दिया लालू यादव मिसा जी को कितना धोखा मिल रहा है अपने लोगों से आप उठा के देखिए घर के ही लोगों से धोखा मिल रहा है आप देखिएगा तब ना आप अपने लोग कितना दर देते हैं चैलेंजिंग नहीं तो कोई चैलेंज है रोहनी जी ने तो जिस तरीके से चुनाव लड़ा मुझे लगता है कि कोई नहीं लड़ सकता है। जी आपने जिस तरीके से लालू के दो बेटी को समर्थन दिया एक रोहनी आचार्य को और एक मिशा भारती को तो क्या लगता है जिस तरीके से जो कांड हुआ शारण में इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है देखिए मुझको तो समझ में नहीं आता कि आखिर वहाँ हो क्या था कौन सा कानून है उल्टे आपने गाली गलोज की मारा मारपीट की उस पर एफ नहीं हुआ वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए और आपने रोहनी जी पर आपने उल्टे तीन सौ सात लगा दिया किस आधार पर तीन सौ सात लग गया भाई रोहनी के लड़ेंगे पप्पू नहीं हम लड़ेंगे वो तो खुद सक्षम है लड़ने के लिए हाँ। आप चिंता नहीं है मैदान में, में आप उतरेंगे उनके साथ नहीं उनके साथ मैदान में, में क्या उतरना है जो हम सबके लिए करते हैं वो रोहनी जी के साथ भी खड़े रहेंगे परिवार के तरह भैया मुबारकपुर में इतनी बड़ी घटना घटी राजपूत समाज के और जादव समाज दोनों में खड़े रहेगी नहीं दोनों के लिए लड़ेगी नहीं बातें खत्म हुई कि नहीं दोनों की मदद किए कि की नहीं लोग तो आग लगाना चाहते थे यहाँ भी आग लगाना चाहते हैं ना यहाँ जादव राजपूत का तो सवाल ही नहीं है या प्रभुनाथ भाई लड़ते थे जादव राजपूत एक रहते थे राम बहादुर राव लड़ते थे जादव राजपूत एक रहते थे यही आ, एम पी जनता दल में थे तो जादव राजपूत एक रहते थे तब इनको जादव की वोट मिलती थी अब आते हैं पाटलिपुत्रा पे पास की जरूरत है और रूढ़ी पर इन से दो मुकदमा लगनी चाहिए पाटलिपुत्रा में तो मीशा भारती, भारती के साथ हैं आप हम एकदम साथ हैं एकदम हमारा शरीर मन तन सब कुछ साथ है चुनाव चुनाव प्रचार करेंगे उनके सारे लोग लगे हुए हैं हमारी जहाँ जरूरत होगी जाएंगे जाएंगे सब लोग हाँ, हाँ सब लोग लगे हुए सब एक तरीके से मतलब कहा जाता है लोग करे कि लालू जी ने टिकट काट दिया उनकी तो अभी भी आपको लालू लालू परिवार से उतना ही प्यार है प्यार का क्या मतलब है विचारों से प्यार होता है कि व्यक्ति से प्यार होता है लालू यादव जी भी एक विचार हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ लेकिन मेरा विचार जो है वो है देश के लोकतंत्र को संविधान को बचाना देश, देश में नफरत की राजनीति है जो जो जो। देश में जिस तरीके से युवा सड़कों पर हो गए हिंदू मुसलमान से पूरा देश को बांटने की बात होती है आ, संविधान खत्म करने की बात चल रही थी दिल्ली तो राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी ना होते और जिस तरीके का गठबंधन हुआ चाहे जी हो चाहे अखिलेश जी जिस मजबूती के साथ अखिलेश जी राहुल जी लड़ रहे हैं भाई मैं अखिलेश जी को सैल्यूट करूंगा तेजवी जी तो बिहार में भी हैं भैया मैं पहले भी कह दिया कि यहाँ जरूरत थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एक बार भी नहीं आना यह संकेत सही नहीं है तो आए थे राहुल गांधी तो आए थे एक बार पूर्णिया में आपके खिलाफ प्रचार किए हैं भागलपुर आए थे कुछ मिनट के लिए जबरदस्ती लगे गए एक बार कभी नहीं तो पूर्णिया लाना चाहते थे एक बार लाना चाहते थे एक बार राहुल जी आई है एक प्रियंका जी नहीं आई हाँ। है लेकिन चर्चा किए थे मतलब बीमा भारती का नाम जिक्र जिकंका गांधी जी को चुनाव तो देश का है ना चौबीस का चुनाव नहीं है ना पच्चीस का तो पच्चीस का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं कुछ लोग चौबीस हाँ। का लड़ते कन्हैया जी को बिहार लड़ना चाहिए झारखंड लड़ना चाहिए था अब क्यों कन्हैया आप, आप आप समझ में नहीं आता है कि आप कांग्रेस को बैकफुट पर रख दिए कांग्रेस आगे आप ला ही नहीं रहे कांग्रेस के एक जगह पांच बार जा रहे हैं और जगह आप एक बार भी नहीं गए राहुल गांधी खुद कांग्रेस के, के जगह पांच, एक जगह पांच जगह जा रहे है। क्या है कौन सा चीज़ की गिव एंड टेक हाउस जहाँ पांच बार जा रहा है तो यहाँ बिहार में और और प्रियंका और राहुल जरूरत था तेजस्वी नहीं बिहार में बिल्कुल बिल्कुल लालू जी की जरूरत थी लालू यादव जी को लोग लाइक करते हैं मानते हैं जी लालू यादव जी को आज भी लाइकिंग है हाँ। तेजस्वी जी निश्चित रूप से जरूरत है हाँ। राहुल जी प्रियंका गांधी जी के साथ रहते तो ज़्यादा ताकत मिलती राहुल जी को न लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी जात धर्म के लोग आज जो उत्तर प्रदेश का माहौल बदला किन क्यों बदला तेजस्वी तो के साथ हैं आप सर मैं सबके साथ हूँ मैं किसी से मेरा दुर्भाव नहीं है और मैं पुरानी बातें राजनीति में नहीं चलती है मुझे जब लक्ष्य गठबंधन है और आगे बढ़ना तो वो देख रहे शुक्रिया सर तो ये पप्पू यादव हैं पूर्व सांसद और पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं और जिसका परिणाम चार जून को आने वाला है इन्होंने लालू परिवार से संबंध अभी भी उतना ही अच्छा बना रखा है जितना पहले था भले ही इनकी टिकट महागठबंधन से ना मिले लेकिन नाराज नहीं हैं और इन्होंने आज भी कह रहे हैं कि हम रोहनी मीसा तेजस्वी लालू जी के साथ हैं पुराने जो बातें हैं उस पर चर्चा ना होना चाहिए क्योंकि पपू यादव ने शाप कर दिया है बहरहाल हमारी बातचीत के लिए आपकी क्या राय है नीचे कौन ऑप्शन दे फेसबुक पे देखने वीडियो देख को शेयर कर लें youtube पे देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत-बहुत धन्यवाद